हेलो गाइस, एवरीवन नमस्कार, चैनल के स्वागत है, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके और हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। कोरोना वायरस इंडिया में ये अब महामारी का रूप ले चुका है। ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में इसके मरीज मिले हैं और जिस तरीके से फैल रहा है, WHO ने इंडिया में इसको महामारी घोषित कर दिया है। और अभी आपको पता है कि इस मंथ के एंड से IPL स्टार्ट होने वाला था, लेकिन जितने भी स्टेट्स में होने वाले हैं उन लोगों ने पूरा बायकॉट करना स्टार्ट कर दिया है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने तो सीधा लेटर लिख दिया BCCI को कि हमारे यहाँ मैचेस नहीं होंगे, या तो आप उसको आगे बढ़ाओ या सस्पेंड करो मैच को, इस साल IPL नहीं होगा। सेम कंडीशन मुंबई गवर्नमेंट ने भी रखा है कि अगर मैच होता है तो वहाँ पे ऑडियंस नहीं जाएगी स्टेडियम में, उनके बिना मैच खेला जाएगा। तो ये पॉसिबल तो हो नहीं सकता है, अगर मैच हुआ तो ऑडियंस आएगी। वैसे टिकट बेचना बंद कर दिया है IPL का महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने, लेकिन क्या होता है इसके बारे में आप समझ लो कि IPL इस साल कैंसिल ही होगा जिस तरीके से अभी पूरे इंडिया में हालात हैं। अभी लेटेस्ट अपडेट यह आया है कि दिल्ली के CM यानी कि अरविंद केजरीवाल जी ने 31 मार्च तक दिल्ली के सारे सिनेमाघर, स्कूल, कॉलेज को बंद करने का ऑर्डर दे दिया है। जी हाँ, दिल्ली के सारे सिनेमा हॉल्स बंद रहेंगे। इसका ये मतलब है कि दिल्ली में कोई भी फिल्म रिलीज नहीं होगी, होती भी है तो वहाँ नहीं लगेगी। और सूर्यवंशी जो 24 मार्च को रिलीज होने वाली थी, उसका भी रिलीज का प्लान कैंसिल होगा पूरे इंडिया में। तो ये लेटेस्ट अपडेट है दिल्ली के बारे में। और जिस तरीके से कंडीशन जो है वो आउट ऑफ हैंड जा रहा है, इससे यही लग रहा है कि दिल्ली ने अभी ये ऑर्डर पास किया है और बहुत सारे स्टेट्स जो है, ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स जो है वो इसको लागू करने वाले हैं, क्योंकि कंडीशन जो है वो बहुत ही ख़राब हो रहा है। और YouTube ने भी पूरे WHO के साथ हाथ मिला के, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके नीचे में आपको WHO का एक लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करो और आपको पूरा पेज खुलेगा जहाँ पे आपको पूरे डिटेल में बताया जाएगा इस वायरस से रिलेटेड, उसके क्या रोकथाम कर सकते हैं आप। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है YouTube के द्वारा। ये वीडियो तो मोनेटाइज नहीं हो रहा है क्योंकि YouTube ने इसका पूरा गाइडलाइन किया हुआ है। अगर आप वीडियो में कोरोना वायरस के बारे में बात करते हैं या टाइटल में डालते हैं, वीडियो में भी बोलते हैं, तो वीडियो मोनेटाइज नहीं होता है। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों तक जो है मैसेज पहुंचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आप रहेंगे तब तो कोई वीडियो देखेगा या चैनल चलेगा या कुछ भी होगा। तो ये कंडीशन बहुत ही ख़राब होने वाली है। अभी यही हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि कंडीशन जो है वो बदतर नहीं हो, कंट्रोल में आए, लेकिन जिस तरीके से अभी हालात हैं कुछ कह नहीं सकते हैं। तो यही अपडेट था जो मुझे आप लोग को देना था। अगर आप भी हैं, बाहर में जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं, वहाँ जाने से बचें। अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाना, पूरा सेफ्टी का ख्याल रखें, मास्क लगाएं, कवर करके रखें और ऐसे इंसान से दूर रहें जिसको कि खांसी, सर्दी, जुकाम, इस तरीके का कुछ भी प्रॉब्लम हो। और स्पेशली उन लोगों से दूर रहें जो कि अभी हाल ही में फॉरेन कंट्री से ट्रेवल करके अगर इंडिया में आए हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहें। आई होप आपको ये अपडेट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सेफ रहें, जय हिंद।